की कड़ी को तोड़ना इतना आसान है क्या दादा? हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरी बोंदीता का घर तोड़ने से बचा लीजिए दादा। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध बाबू को गलत फहमी हुई है, जो उन्होंने मेरी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी एक बेटी घर दूसरी बेटी संपूर्णा का घर तोड़कर तो नहीं बसा सकती ना दादा, इसलिए हमें कोई तरीका निकालना होगा दादा, ताकि हमारी दो बेटियां अच्छे से खुशी से अपने ससुराल में रह सके, है ना? एक तरीका है बहन, हम अनिरुद्ध जमाई बाबू को एक पत्र भिजवा देते, ठीक उसी तरह जैसे बोंदीता ने शादी के पहले भिजवाया था और उसे पढ़कर सब ठीक हो गया था। मुझे पक्का भरोसा है इस बार भी जमाई बाबू पत्र पढ़कर उसे ले जाने के लिए आ जाएंगे। हमारे समाज ने ना इन सारी बातों को सिर्फ पुरुष प्रधान बनकर सोचा है, औरतों के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि क्या बीतती होगी उन औरतों पे, कि क्या औरतों को ये सारी बातें स्वीकार हैं, क्या उन्हें मंजूर हैं, ये बातें कभी नहीं सोचा किसी ने नहीं सोचा कभी। जब एक औरत का पति दूसरी शादी करके एक औरत को घर ले आता है, पहली पत्नी को दूसरी पत्नी होने का दर्जा देता है, पहले से दर्जा मिलने पे किस औरत को खुशी होगी बाबा? और आप लोगों का कहना है कि मैं मिनी को बचाने के लिए, कैसे पता नहीं, पर मिनी को बचाने के लिए दूसरी शादी कर लूं, इसे दूसरी बीवी बनाकर घर ले आऊं। नहीं, मैं मिनी के साथ ऐसा अन्याय और ऐसा अपमान नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसीलिए मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूं। आमन, मैं चाहता हूं मिनी का इलाज हो जाए, उसे लंदन ले जाऊं, पर शादी के नाम नहीं अंकल। माफी चाहता हूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये अन्याय मुझसे। हद होती है पागलपन की भी अनिरुद्ध, सोच भी नहीं सकता हूं कि तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो, वो भी सौदामिनी से। रहने दीजिए, मत समझाइए अनिरुद्ध को बिना बाबू। मेरी के जीवन में अब बस अंधेरे ही लिखा है जीवन पर। अंकल, कि आपने मुझे इतना मतलब ही समझा है मेरे मना करने का, क्या आपने ये मतलब निकाला? अंकल, मैं तो लाना चाहता हूँ मिनी की आंखों की रोशनी वापस, ले जाना चाहता हूँ उसे लंदन, पर आप हैं कि एक ही जिद लिए बैठे हैं, मिनी से शादी कर लो। नहीं करनी मुझे मिनी से शादी। अब इसे हमारी जिद समझो या जिस समाज में हम रहते हैं उसकी सोच, पर लंदन तो सौदामिनी बस इसी शर्त पर जा सकते हैं। तोड़ दे अपनी शादी के सपने को बेटी, हर उस सपने जो तूने अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करते समय अपने जीवन साथी के बारे में देखे थे। कोई राजकुमार नहीं आएगा अब तुझे ब्याहने को बेटी, कोई भूखा भिखारी गरीब ही शादी करेगा तुझसे बेटी। और कोई वाह अंकल वाह, आप समाज को दिखाने के लिए मिनी की शादी एक भूखे नंगे गरीब इंसान से करवा सकते हैं, पर उसका इलाज करवाने के लिए उसे मेरे साथ लंदन नहीं भेज सकते। ये कैसी बेवकूफी है जो आपको ये देखने नहीं दे रही कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम आना ही नहीं शादी के लिए, आप मान जाएगा, देखा नहीं कैसे कमजोर होकर गया यहां से। उसके गुस्से में चिड़चिड़ाहट थी, बस ऐसे ही उसकी जिद को तोड़ने के लिए चोट पहुंचाती रहनी होगी हमें। अब वो चोट मैं उसे पहुंचाऊंगी अंकल। Thank you.
मेरे पति बाबू भी गांधी जी की तरह ही हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमेशा, भला ही सोचते हैं सबका, हमेशा आवाज उठाते हैं अगर अन्याय होते देखते हैं तो। इनकी तस्वीर को हमेशा पास रखूंगी मैं, जिससे मुझे भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित करे। हाँ, क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? खड़ी नहीं मिल रही मेरी सौरभ यहीं पे। अनिरुद्ध बाबू डोर में थी, ये लीजिए। थैंक यू सर, ये रखा था यहाँ। अनिरुद्ध बाबू, कई बार चीजें हमारे सामने ही होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। हाँ सर, क्योंकि कई बार हमारा मन कहीं और खोया हुआ रहता है, मेरा दिमाग भी बटा हुआ है, बहुत परेशान हूँ मैं, मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, बताइए। बोलो अनिरुद्ध, कर सकते हो मेरी बेटी से शादी, बना सकते हो उसे अपना जीवन साथी? मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूं। अगर इतनी परवाह है सौदामिनी जी की तो कर लीजिए ना उनसे शादी, और वैसे भी होना तो यही था ना अनिरुद्ध बाबू, पहले नहीं थाम पाए उनका हाथ तो अब थाम लीजिए, अब शायद भगवान की भी यही मर्जी है। नहीं सौरभ, मैं भावनाओं में आकर यूं ही कोई निर्णय नहीं ले सकता, वैसे ही मेरे फितूर के कारण मेरे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि उनको रो। हमारी बातें कौन सुन रहा है वहां पर, कौन है वहां पर? कोयली थी छुट्टी पे गई है तो मैं चाय लाई थी आप लोगों के लिए। जमाई बाबू माफ कीजिएगा पर आपको इस नाम से तो पुकार नहीं सकती ना मैं, आपके लिए तो आपका फितूर ही आपकी पहचान है ना। मोहंदिता क्या चली गई, साथ में पहचान भी लेके गई वो आपकी। संपूर्ण जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? अनिरुद्ध बाबू मैं कुछ खफा हूं कुछ दुखी हूं, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए तुझसे, कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे, क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे, हर घड़ी अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों? अभी हल्दी लग जाएगी फिर शादी हो जाएगी, पर शादी के बारे में कुछ पता है क्या मुझे? अच्छा तू बता कैसे होते हैं पति बाबू? बताती हूँ सुन, हुक्म चलाते हैं, कहते हैं मारा पियो बोंदिता, नाक बंद करो और पी लो पूरा, पता भी नहीं चलेगा। गुस्से वाले भी होते हैं पति बाबू, मैंने कहा हम शादी में नहीं जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा बोंदिता। सुना? अरक्षक भी होते हैं पति बाबू। अगर किसी रॉय चौधरी की कही जबान ही अटल सच है तो अभी एक रॉय चौधरी कह रहा है आपसे, ये विधवा नहीं, ये मेरे पति, मैं उनकी पत्नी बोंदिता। खबरदार जो हाय बोंदिता को, मेरे होते हुए तू भी नहीं सकता बोंदिता को। बहुत खुश हूँ कि मैंने विश्वास किया तुम पर, मुझे पूरा भरोसा है बोंदिता, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। बोलो जी बस गए ऐसे मेरे